अब हम सिग्नल्स को ढूंढ रहे हैं। जब वो मिल जाएंगे तो हमें नजदीकी लोकेशन का पता चल जाएगा। तुमने जो किया है पता है किसके साथ किया है? कौन? तेरे लिए शॉकिंग, हमारी फौज आ रही है, उसे कोई नहीं रोक सकता। जेलर की कहानी, क्या होता है इंडियन जेल्स में, कैसे बड़े नेता और क्रिमिनल्स रहते हैं जेलों में। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में। रजनीकांत अपनी फिल्म के साथ है तैयार। फिल्म को लेकर काफी बज बहुत पहले से ही है, पर साथ ही में बज है किसी एक स्टार को कास्ट करने की। ना सिर्फ मेगा स्टार रजनीकांत इस फिल्म की सुपर कास्ट में शामिल है, बल्कि ऐश्वर्या राय, रम्या कृष्णन और तमन्ना भाटिया जैसे दमदार एक्ट्रेसेस भी फिल्म का हिस्सा बन रहे हैं। और हाल ही में बज है फिल्म की कहानी को लेकर। हालांकि मेकर्स इस फिल्म से जुड़ी कोई भी अपडेट्स नहीं रिवील करना चाहते, पर उड़ती उड़ती खबरों से पता चला है कि फिल्म की स्टोरी लाइन कुछ इस तरह से है। जेल में एक बहुत ही पावरफुल गैंग लीडर को रखा गया है। जेलर यानी रजनीकांत के रहते उस जेल में कोई भी कदम नहीं रख सकता। रजनीकांत उस गैंग लीडर और गैंग से कैसे मुकाबला करेंगे, इस पर बेस्ड है फिल्म की कहानी। पर आपको बता दें कि फिल्म में चार सुपर सुंदरियों की एंट्री ने स्टोरी लाइन की स्पेकुलेशन को कर दिया है चैलेंज, और अब फैंस भी हैं कंफ्यूजन में कि आखिर क्या कहानी होगी इस फिल्म की। तो आपको बता दें कि इस बार इस फिल्म की कहानी कुछ इस तरह से होगी। फिल्म में जेलर के तौर पर रजनीकांत जेल के इरेग्युलर सिस्टम में करेंगे सुधार। हाई प्रोफाइल क्रिमिनल्स की फाइव स्टार सर्विस को करेंगे जेल में बंद। इस बीच जेल में एंट्री होगी एक लड़की की, जिसकी गवाही एक क्रिमिनल के लिए है खतरे की बात, जिसके लिए जेल में उसे खत्म करने के लिए भेजे जाएंगे गुंडे। पर जेलर रजनीकांत उस लड़की को खतरे से बचा लेंगे और उस लड़की को दिलाएंगे न्याय। इस फिल्म के द्वारा आम जनता को जेल के सिस्टम और जुडिशियरी के लूप होल्स और उसके द्वारा हो रहे अन्याय को भी दिखाया जाएगा। कैसा होता है जेल सिस्टम और कैसे लोग रहते हैं जेल में, ये सब भी इस फिल्म में दिखाया जाएगा। क्या आप जानते हैं कि लोग कैसे रहते हैं जेल्स में और क्यों जेल के नाम से अच्छे अच्छे लोग भी कांप जाते हैं? चलिए आपको बताते हैं इंडियन जेल्स और उस सिस्टम के बारे में। बात की जाए सेल्स की, यानी कि रूम की, तो ना इन जेल्स की रूम में होता है कोई फैन, ना एसी, और ना ही कोई अटैच बाथरूम। एक ही सेल में 3 से 4 कैदियों को रखा जाता है और उसी में आपको सोना, बैठना और बाथरूम भी जाना होता है, और वो भी ओपन में, सबकी मौजूदगी में। इसके अलावा जेल में अब्यूसिव बिहेवियर और मोलेस्टेशन आम बात होती है। जेल में अधिकतर क्रिमिनल्स ही होते हैं, इसलिए लड़ाइयां होना आम बात है। ताकतवर अपनी ताकत दिखाते हैं और कमजोर कैदियों को बुली करते हैं। मारना पीटना तो आम बात है। साथ ही पर्सनल हाइजीन और बाथरूम जैसी सर्विसेज भी इंडियन जेल्स में बहुत ही खराब होती है, क्योंकि ऐसी कोई फैसिलिटी सिस्टम के द्वारा प्रोवाइड भी नहीं की जाती। और खाने की बात तो आप सोच ही सकते हैं कि किस तरह का खाना जेल्स में मिलता हो। पर ये सभी चीजें पॉलिटिशियंस और बड़े बड़े क्रिमिनल्स पर लागू नहीं होती। आपने कई बार किसी पॉलिटिशियन और जेल में उनकी फैसिलिटीज की कहानियां सुनी ही होगी, कैसे उनके लिए खास तौर पर कुक रखा जाता है जो कि उनके पसंद का खाना बनाकर उनकी फरमाइश पूरी करता है, साथ ही उनके सेल में एसी लगाते हैं। पर आपको बता दें कि ये कोई कहानी नहीं बल्कि हकीकत है इंडियन जेल सिस्टम, जहाँ पे कैदी पैसों के इशारों पर जेलर्स और जेल्स के ऑफिसर को नचाते हैं। कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि जेल में इनकी फरमाइश पूरी करने के लिए मसाज भी अपॉइंट किए गए हैं। अलग से किचन, 5 रूम वाली स्पेशियस सेल, एसी रूम और जेल के ऑफिसर से तवज्जो और सलाम, ऐसी खातिरदारी आपने कभी 5-स्टार होटल में भी नहीं देखी हुई। और ये सब होता है जेलर्स की हाजिरी और मंजूरी में, जहाँ लोग सुधारने की जगह कानून का मजाक बनाते हैं। क्या रजनीकांत भी जेलर में दिखेंगे इसी तरह के करप्ट और नेगेटिव रोल, या फिर सुधारेंगे वो इस जेल के सिस्टम को, ये तो खैर वक्त ही बताएगा। तब तक के लिए आपको करना पड़ेगा थोड़ा इंतजार, और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज।